पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की लोगों के मन में बात है कि 8 करोड़ के करीब आबादी बैठती है, वो भी बहुत बड़ा प्रदेश होता है 8 करोड़ का, तो एक पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बने तो जनता की, मुझे लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोग ऐसा चाहते हैं और उनमें से मैं भी एक। अरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने से पहले हमें सोचना तो चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने का मतलब है मिनी पाकिस्तान बनना। एक वर्ग की आबादी इतनी बढ़ती जा रही है कि आप सोच नहीं सकते। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग की तो बीजेपी के ही नेता ने उन पर पलटवार कर दिया और मिनी पाकिस्तान बनाने जैसी बात करने लगे। देखिए क्या क्या बयानबाजी हुई। देखिए भारतीय जनता पार्टी की पहले से नीति भी रही है, चाहे उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, ये भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र सरकार थी, जब ये राज्य बने थे, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य, 25 करोड़ की आबादी है, देश का सबसे बड़ा राज्य है और कहीं ना कहीं मैनेज करने में मुश्किल आती है इतने बड़े राज्य के। हमारा हाईकोर्ट 725 किलोमीटर दूर है दोस्त, लाहौर हाईकोर्ट हमसे नजदीक है जाम खड़े, इलाहाबाद हाईकोर्ट हमसे दूर है। सस्ता सुलभ न्याय ये भी हमेशा से सबको मिलना चाहिए, तो सबकी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की लोगों के मन में बात है कि 8 करोड़ के करीब आबादी बैठती है, वो भी बहुत बड़ा प्रदेश होता है 8 करोड़ का, तो एक पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बने तो जनता की, मुझे लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोग ऐसा चाहते हैं और उनमें से मैं भी एक। क्षेत्रफल क्या होगा, कौन कौन से? नहीं देखिए देखिए ये तो बाद का प्रश्न है, ये तो वो लोग तय करेंगे जब ऐसी नौबत आएगी, जब ये देखा जाएगा। मैंने तो वो कहा है जो लोग चाहते हैं या मैं भी चाहता हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश हो दिल्ली के चारों तरफ। इसकी खूबसूरती यह है कि सबसे अच्छा पानी पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, सबसे अच्छी भूमि हमारे पास है पश्चिम उत्तर प्रदेश आकर देखेंगे और दिल्ली के पास है। एक विकसित राज्य पूरी बनने की पूरी संभावना पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। रेवेन्यू भी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा, अगर आप उत्तर प्रदेश का देखोगे तो मुझे लगता है ज्यादातर रेवेन्यू वेस्टर्न यूपी से ही आता है। देखिए अब एम्स है हमारे उत्तराखंड को, एक एम्स मिला ऋषिकेश में एम्स है, उत्तर प्रदेश को एम्स मिला गोरखपुर में है। आप जा सकते हैं गोरखपुर? नहीं जा सकते, आप दूसरे प्रदेश में उत्तराखंड जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश को भी वही मिलेगा एम्स, उत्तराखंड को भी मिलेगा। अगर केंद्र सरकार की योजना होती है हर प्रदेश को एक दे दो योजना, तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, छोटे प्रदेश वहाँ फायदे में रहते हैं। तो एक अच्छा प्रदेश अगर छोटा प्रदेश बनेगा तो सबको सुविधाएं भी बेहतर मिलेगी, सबके लिए अच्छा होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग बना दे, वो बना दे। अरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने से पहले हमें सोचना तो चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने का मतलब है मिनी पाकिस्तान बनना। एक वर्ग की आबादी इतनी बढ़ती जा रही है कि आप सोच नहीं सकते। कितनी नगर पंचायत है, कितनी नगर पालिका है, 70 से 80% है। आप यहां क्या ये चाहते हैं कि हिंदू माइनॉरिटी में रहे? हमारी बिल्कुल ये मांग नहीं है। हमारी मांग ये है कि अब जितने भी NCR के हमारे जिले हैं या पश्चिम के जिले हैं, दिल्ली को वृहद प्रदेश बना के उसमें जोड़िए जाए। ना अलग हाईकोर्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना अलग विधानसभा बनाने की जरूरत पड़ेगी। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग चाहते भी यही हैं। अब वो अपना बयान दे रहे, ये किसी पब्लिक का बयान नहीं है। तो क्या मंत्री के बयान पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं बिल्कुल उनके बयान से एकदम सहमत नहीं हूँ। और चूंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही रहता हूँ, मैं जानता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश का आदमी कोई नहीं चाहता कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग से प्रदेश बने। तो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी को आप कोई नसीहत देना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं उनसे मिलेंगे तो बात करूंगा। मेरी पार्टी के मेरे साथी हैं तो उनसे बात करूंगा कि भाई आप इस तरीके की बात क्यों कर रही है, लोगों की भावनाओं के खिलाफ है और हम लोगों की भावनाओं के खिलाफ नहीं जा सकते। क्यों दिया होगा उन्होंने ऐसा बयान? क्या अब ये तो उनकी मंशा है, मेरी बात नहीं हुई होगी, वो मैं पूछ के बताऊंगा आपको।